हेलो फ्रेंड, यूनिक यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा टमलों को मारने का बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका। आप अपने घर के खटमलों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक केमिकल इस्तेमाल करना है, यानी कि रसायन। उस रसायन को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये वीडियो पूरा देखें, यानी कि अंत तक देखें, शुरू से आखिर तक देखें, बीच में ना छोड़ें। तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और खटमल किस तरह से मरेंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताऊंगा और सावधानियां आपको बरतनी बहुत जरूरी है। बिना सावधानियों के अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये केमिकल और ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के लिए आपको सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूनिक यू चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप हमारा यूनिक यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या सामग्री है, यानी कि वो कौन सा केमिकल है और आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये वो केमिकल है थायोमैक्सिम। आप इस केमिकल को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, वो भी मैं बता देता हूं। आपको इस तरह का या कोई भी मास्क बहुत जरूरी चाहिए, ताकि आप अपने मुंह पर इस तरह से आप इस मास्क को बांध लें। जी हां दोस्तों, और ये मैं आपको बहुत जरूरी बता रहा हूं, अगर आपके पास ये नहीं है तो मुंह पर कपड़ा जरूर बांध लें, क्योंकि ये केमिकल है और केमिकल कोई सा भी हो हार्मफुल होता है, केमिकल एक जहर होता है। और तीसरी चीज, ये सेफ्टी ग्लव्स। जी हां दोस्तों, ये सेफ्टी ग्लव्स आपको इस्तेमाल करने हैं। इसको घोलने से पहले ये सेफ्टी ग्लव्स आपको इस तरह से पहन लेने हैं, ये इस तरह से पहन लेने हैं आपको, और बहुत जरूरी है। और एक चाहिए आपको ये स्प्रे बॉटल। जी हां दोस्तों, स्प्रे बॉटल इस तरह की। तो मैं आपको अब दिखाता हूं कि ये मिश्रण और ये केमिकल कैसे बनेगा। उसके बाद आपको चाहिए एक ये कोई बर्तन या कोई ऐसा खराब सामान जिसके अंदर आप केमिकल डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक चाहिए ये स्प्रे बोतल इस तरीके की, इस तरह की एक स्प्रे बोतल ले, इस तरह की स्प्रे बोतल ले। और ये स्प्रे बोतल आपके बहुत काम की है, क्योंकि जो स्प्रे बोतल में प्रेशर बनता है उसी से खटमल जल्दी मरते हैं। ये मैंने खोल लिया है और इसके अंदर एक ग्रेन्यूल टाइप का निकलेगा, यानी कि थोड़े थोड़े पाउडर टाइप का तरह का ये पाउडर निकलेगा। आपको ये पाउडर, ये मान के चलो ये ग्राम के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो अगर आपको 2 लीटर पानी में बनाना है तो आपको ये सिर्फ इसकी एक स्पून, इसी डब्बे के अंदर आती है, एक स्पून ले और उसको इस पतीले में डाल ले। लेकिन मैं ये बना रहा हूं कम से कम 3 लीटर के लिए, तो पहले हम ये 2 चम्मच ले लेते हैं। ये 2 चम्मच हो गए, अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसके अंदर अभी फिलहाल 100 ग्राम पानी ही डालना है आपको। सिर्फ 100 ग्राम पानी डालना है। और एक चीज का ध्यान रखें, ये मिक्सचर बनाते वक्त इस तरह के सेफ्टी ग्लव्स और मुंह पर मास्क जरूर पहन लें। तो दोस्तों, ये 100 ग्राम पानी हमने डाला है इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छा मिक्स करेंगे, इसका मिक्सचर बन जाना चाहिए। और इसमें देखिए अभी भी स्मेल आ रही है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सेफ्टी ग्लव्स और मुंह पे मास्क जरूर लगा लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मिश्रण बन गया है तो इसी के अंदर अब हम 2 लीटर पानी डाल लेते हैं, और पानी डालकर
कर भर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बोतल के अंदर भर लेंगे। मैं अभी इसके अंदर पानी डाल लेता हूँ। ये देखिए किस तरीके से झाग से हो गए हैं इसमें। ये देखिए मैंने इसको भर लिया है, अभी ये 2 लीटर से थोड़ा कम है और बाकी जो है बाकी मैं इसमें भर लेता हूँ। ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण यानी कि ये केमिकल मिश्रण है, दवाई है, केमिकल है, पेस्टिसाइड है, तो आप इसे अपने बच्चों पालतू जानवरों से दूर रखें। मिश्रण भर लिया है और मैं अब इसको बंद कर देता हूँ और इसको फिर अच्छी तरह से हिला लें। जी हाँ, अब ये आपका केमिकल तैयार हो गया है खटमलों को मारने के लिए। आप इसका इस्तेमाल अपने घर में हर कोने कोने में इस्तेमाल करें। ये मैं आपको पहले थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। इसमें ऐसे एयर भरिए और ये देखिए इस तरीके से फुहारा बनेगा। इतना आप अच्छी तरह से छिड़केंगे उतनी अच्छी तरह से आपके घर की खटमल मर जाएंगे। आपको ये केमिकल अपने बेड में, अलमारी में, सोफे पे और जितना भी एरिया है पूरे घर के अंदर आप इसको छिड़क दें। उसके बाद 2 घंटे के लिए, मिनिमम 2 घंटे के लिए अपने पूरे घर को बंद कर दें, उसमें कोई नहीं रहना चाहिए। 2 घंटे के बाद फिर उसे खोल लें। इसी तरह से महीने के अंदर कम से कम 3 बार इस मिश्रण यानी कि इस केमिकल का इस्तेमाल करें और आपके घर के खटमल 100% 100% मर जाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रहे कि आप इस केमिकल और मिश्रण को अपने बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें क्योंकि ये एक जहर है। दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से काम कराए तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप एक्सपर्ट से काम नहीं करा सकते तो आप ये केमिकल इस्तेमाल करें और 1 महीने में कम से कम 3 बार आपको ये इस्तेमाल करना है। आपके घर के जितने भी खटमल हैं, जितने भी बेड बग्स हैं, 100% यानी कि 100% मर जाएंगे। ये मेरा अजमाया हुआ नुस्खा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।